हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी। चलिए इन्वायरमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद में है और ये अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर पड़ती है। अडालज की बावड़ी अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात राज्य में पड़ता है अहमदाबाद। हाईवे क्या होता है? हाईवे को हिंदी में राजमार्ग कहते हैं, और राजमार्ग पर चलने वाले जो साधन है, बस, कार, ट्रक का रास्ते को हम हाईवे कहा जाता है। तेल क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, खनिज तेल को हम तेल कहते हैं। कहाँ से निकलता है? पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या होता है? गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार एक पदार्थ होता है। इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है परिशोधित होने के लिए। फिर वहाँ से क्या क्या चीज़ इसमें से निकलती है? कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल। हवाई जहाज के लिए ईंधन भी इसी में से निकलता है। एलपीजी जो हम घरों में खाना बनाते हैं, वो गैस भी यहीं से निकलती है। मोम, कोल तार और ग्रीस भी यहीं से निकलता है। प्लास्टिक व पेंट बनाने के लिए जिन चीज़ों का यूज होता है, वो भी यहीं से निकलते हैं। एलपीजी के बारे में पूछ लेते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ यहाँ पर यूज होता है पेट्रोलियम से बने पदार्थों का। लालटेन में दिया जाता है, पेट्रोल यूज होता है, ये हमारे जो परिवहन साधन संसाधन है उनमें यूज होता है, ये छोटा जनरेटर है उसमें यूज होता है, और ये हमारी एलपीजी और मिट्टी का तेल है। नेक्स्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या 2007 में पेट्रोल का रेट 47.74 रुपये था और डीजल का रेट था 35.21 रुपये, 2002 में 29.91 रुपये और 18.91 रुपये था, और 2014 में 67.86 रुपये और 58.97 रुपये। जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसका 15 दिन के आसपास का रेट पता करके जाना है आपको, ताकि आपको याद रहे। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे पर्यावरण हितैषी गैस भी कहते हैं। देखिए पर्यावरण हितैषी गैस क्यों? क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती, इसलिए सीएनजी को पर्यावरण हितैषी गैस कहते हैं। सीएनजी से चलने वाले वाहन कौन से हैं? थ्री व्हीलर, कार और बस, ये सीएनजी से चलने वाले वाहन हैं। डीजल से चलने वाले वाहन बस, ट्रक और कार हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहन कार है और मोटरसाइकिल हैं। अब ऐसा मत कर देना कि बस को आप पेट्रोल से चला दो। डीजल से चलने वाले जो हैं वो याद रखने हैं आपको, पेट्रोल से चलने वाले जो हैं वो याद रखने हैं, और सीएनजी से चलने वाले जो हैं वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल या सोलर प्लेट जो होती है वो सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा फ्रेंड, ये यहाँ पर आ गया ऊपर। भारत के 2/3 लोग उपले लकड़ी सूखी टहनियों का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। 1976 में एलपीजी से और कैरोसिन से 10 घर खाना बनाते थे, लेकिन 1996 में यानी कि 20 साल में 18 लोग खाना बनाने लगे। मतलब यूज कितने परसेंट बढ़ गया? 80% यूज बढ़ गया है। किसका? एलपीजी का। सोनागांव हरियाणा में है, यहाँ पर बनने का अर्थ होता है दुल्हन और बनना का अर्थ है दूल्हा और बन्नों का अर्थ है दुल्हन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लोनार एक मोटरसाइकिल का नाम है। लोनार ये लिखा है, लोनार एक बाइक है जिसका अर्थ होता है अकेला रहने वाला। जब हम मुंबई से जाएंगे दिल्ली तो कौन कौन से राज्य पड़ेंगे बीच में? हमें महाराष्ट्र पार करना पड़ेगा, गुजरात पार करना पड़ेगा, राजस्थान पार करना पड़ेगा, हरियाणा, और फिर जाकर हम दिल्ली पहुँचेंगे लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र तय करके। दिल्ली से जब हम ले जाएंगे तो दिल्ली से मनाली जाएंगे, मनाली से लद्दाख, लद्दाख से लेह। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का भाग हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख एक अलग राज्य है और जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, इसलिए यहाँ से इसको हटा देते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में पड़ता है जो कि एक पहाड़ी रास्ता है, और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यहाँ पर भी पहाड़ है यानी कि ये भी एक पहाड़ी इलाका है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, यहाँ पर सूखा और समतल है। बारिश यहाँ तीर का निशान नीचे, मतलब बहुत कम बारिश होती है,
जब कोई आता है तो यहाँ के लोग जूले जूले कहते हैं, यानी कि स्वागतम स्वागतम। जब कोई यहाँ पर आता है मेहमान तो जूले जूले कह के उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि जूले जूले का अर्थ उनकी भाषा में क्या है, स्वागतम स्वागतम। पेड़ पौधे यहाँ पर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, जो लद्दाख के घर हैं वो पत्थर काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। पुताई इनमें मिट्टी की और चूने की होती है। अंदर से ये घर छप्पर जैसे दिखाई देते हैं। पहली मंजिल में जानवर रहते हैं, पहली मंजिल में, ये इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट है ये। पहली मंजिल में जानवर रहते हैं और खिड़की नहीं होती, पहली मंजिल में खिड़की नहीं होती। दूसरी मंजिल में मनुष्य और मनुष्य का परिवार रहते हैं। सर्दी में मनुष्य नीचे की मंजिल में ही रहते हैं जानवरों के पास, क्योंकि सर्दी में वहाँ पर इलाका जो है बर्फ़ का इलाका है, सर्दी में और ज़्यादा बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मनुष्य और परिवार सर्दी में नीचे की मंजिल में रहते हैं जानवरों के पास, क्योंकि जानवरों के पास थोड़ा गर्म रहता है। छत में ये लोग मजबूत तने का यूज करते हैं। मोटी मोटी दीवारें होती हैं इनके घरों की, लकड़ी के फर्श होते हैं, लकड़ी की छत होती है जो इन्हें ठंड से बचाती हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लकड़ी के क्यों बनाते हैं, क्योंकि लकड़ी इन्हें ठंड से बचाती है। चांगथांग एक इलाका है, चांगथांग, चांगथांग इलाके में चांगपो जनजाति रहती है। चांगथांग उस जगह को कहते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हों। 5000 मीटर की ऊंचाई पर यह इलाका है। इतनी ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। ऊंचाई पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। चांगपा, हम बात कर रहे हैं चांगपा जनजाति के विषय में। चांगपा जनजाति घुमंतू लोग हैं, इनके इलाके में बस 5000 लोग ही रहते हैं। पहाड़ों पर ये लोग भेड़ और बकरी के साथ रहते हैं, पहाड़ों पर अपनी भेड़ और बकरी के साथ। भेड़ और बकरी से इन्हें दूध मिलता है, मांस मिलता है, टेंट के लिए कपड़ा मिलता है, ऊन मिलती है। भेड़ और बकरी इनके लिए पूंजी है। पश्मीना ऊन मिलते हैं इन्हें एक खास नस्ल की भेड़ और बकरी से। ज़्यादा ऊंचाई पर रहने के कारण और ठंडी जगह रहने के कारण इन भेजो भेड़ और बकरी इनके बाल नरम और ज़्यादा होते हैं। ये अपना सामान घोड़ों और याक पर लाद कर ले जाते हैं। 2.5 घंटे में ये टेंट को लगा लेते हैं और कुछ ही देर में टेंट को हटा देते हैं। टेंट इनका घर होता है और इनके टेंट को रेबो कहा जाता है, रेबो। तो फ्रेंड्स ये जरूर याद रखना है आपको, इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ सी टैट के लिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और ये सिलेबस सी टैट के साथ साथ आपको कंपटीशन में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।